हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को इस फोटो के ऊपर वर्क करके दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को मैं फोटो दिखाता हूँ तो इस फोटो के अंदर बिल्कुल सैचुरेशन भी नहीं है, कंट्रास्ट भी नहीं है, इस फोटो के कलर्स बिल्कुल डल हैं। तो आज मैं आप लोगों को स्नैपसीड, लाइटरूम एंड पिक्सआर्ट का यूज़ करके आप लोगों को एक अच्छी सी फोटो एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेंगे। शेयर कर देने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से हम नीचे पेंसिल वाले टूल पर जाएंगे और यहाँ से ऊपर ट्यून इमेज के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से हम ऊपर करके इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देंगे और इसके अंदर कंट्रास्ट ऐड कर लेंगे। कंट्रास्ट को हम फुल कर देंगे, तकरीबन सैचुरेशन इसकी उठा लेंगे, एम्बियंस को उठा लेंगे और हाईलाइट को थोड़ा सा कम करके शेडोज हल्के से उठा लेंगे। बस इतना कर देने के बाद हमारी फ़ोटो यहाँ पर तकरीबन डन हो गई है। या देखें, बिल्कुल कंट्रास्ट वगैरह नहीं है इसमें, हम कंट्रास्ट लेके आए, ये देखें। तो अभी इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से चले जाना है सिलेक्टिव के अंदर। अब यहाँ पे सिलेक्टिव कलर हमारा ये काम करेगा, या हम किसी पार्ट को अलग से सिलेक्ट करके कलर देना चाहते हैं, या उसको डार्कनेस, ब्राइटनेस कुछ भी करना चाहते हैं तो इसे हम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने अभी फेस को वाइट करना है तो फेस पर कोई पार्ट सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरह करने के बाद देखें, रेड रेड करके यहाँ से सिलेक्ट हो गया। इसको सैचुरेशन देनी है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। अभी देखें, इसको देखें, इस तरह मैं ड्रैग कर रहा हूँ ना, लेफ्ट राइट। देखें फेस हमारा वाइट हो रहा है। जो आपकी फ़ोटो में पार्ट यानी कि डार्क हो, आप उसको वाइट कर सकते हैं, सैचुरेशन उसकी बढ़ा सकते हैं। तब आप लोगों को यहाँ से एडजस्ट करके दिखाता हूँ। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ से हम दोबारा पेंसिल वाले टूल पर जाएंगे और वहाँ से ऊपर डिटेल के अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐड कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऐड करने के बाद ऊपर ड्रैग करके थोड़ी सी शार्पनेस भी ऐड कर लेंगे और नीचे से हम कर देंगे ठीक। उसके बाद दोबारा हम लोग पेंसिल वाले टूल पर चले जाएंगे। यहाँ से हम टोनल कंट्रास्ट के ऊपर चले जाएंगे और ये यहाँ पे सब का ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। हम फिर भी इसको छेड़ के हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा HDR फोटो को कर देता है, फोटो में ब्लर इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। इतना कर देने के बाद यहाँ से हम टिक कर देंगे और फिर पेंसिल वाले टूल के ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम विंटेज के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ आप लोगों को काफ़ी सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, कलर टेम्पलेट। तो आप यहाँ से कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे अभी ये वाला टेम्पलेट पसंद है, 6 नंबर वाला, तो मैं अब इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी जो स्टाइल स्ट्रेंथ है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसका जो विग्नेट है उसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद यहाँ से टिक कर लेंगे। अब यहाँ हम दोबारा पेंसिल वाले टूल पर जाएंगे और यहाँ पर आकर थोड़ा सा इधर से विग्नेट ऐड कर लेंगे। और यहाँ से टिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर दिखाऊँ, हम लोगों ने स्नैपसीड के अंदर कितनी अच्छी एडिट कर ली। आप हमारी देखें, इस फोटो के अंदर कंट्रास्ट, ब्राइटनेस बिल्कुल बिगड़ी हुई थी फोटो जब मैंने उसको एडिट करा। बिफोर आफ्टर देखें हमारी, इस तरह की लुक आई है, काफ़ी सारी सिनेमेटिक लुक बनी है, काफ़ी अच्छी लुक बनी है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी करते हैं। तो चलिए इसको लाइट रूम के अंदर शेयर कर लेते हैं। तो हमने लाइट रूम के अंदर अपनी फोटो को ओपन कर लिया। तो अब यहाँ से लाइट्स के ऊपर चले जाएंगे और इधर से जाके हम हाइलाइट्स को थोड़ा कम कर देंगे, शेडोज उठा लेंगे, दोबारा कंट्रास्ट थोड़ा सा ऐड कर लेंगे और हम ब्लैक्स को थोड़ा सा कम कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ से हम कलर्स के ऊपर चले जाएंगे और थोड़े से कलर्स हम ऐड कर लेंगे ठीक है, और कलर ऐड कर लेंगे। ये करने के बाद हम ऊपर मिक्स के ऊपर चले जाएंगे और फेस पे ऑरेंज कलर ज़्यादा आ रहा है हम उसको थोड़ा कम कर देंगे और थोड़ा येलो कलर भी फेस के ऊपर ज़्यादा आ रहा है उसको भी कम कर देंगे। और यहाँ से नीचे से ल्यूमिनेंस उसकी बढ़ा देंगे और थोड़ा सा रेड कलर को भी ऐड कर लेंगे। इतना करने के बाद ब्लू वाले सेक्शन में जाएंगे और ब्लू की जो ह्यू है उसको हम थोड़ा सा चेंज करके फोटो का एक और लुक देंगे और यहाँ से डन कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ ऊपर मिक्सर पर चले जाएंगे और इसकी हाईलाइट को हम थोड़ा सा कलर दे देंगे कोई सा, मैं आपको वो दे के दिखाता हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा ऑरेंज कलर दिया और उसके नीचे से ल्यूमिनेंस भी मैंने बढ़ा दिया और यहाँ से हम कर लेंगे डन। अब हम इफेक्ट्स के अंदर चले जाएंगे और इसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर ऐड कर लेंगे और विग्नेट दोबारा से थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी डीएस भी ऐड कर लेंगे ठीक है। उसके बाद यहाँ डिटेल के अंदर चले जाएंगे, थोड़ी सी शार्पनेस ऐड कर लेंगे, थोड़ा मास्क और नॉइस रिडक्शन कर लेंगे। तो देखिए हमने लाइट रूम के अंदर इतनी फोटो बनाई है।
बिफोर और या आफ्टर बिल्कुल सी भी एडिटिंग और सिनेमैटिक एडिटिंग हो रही है, तो अब मैं आप लोगों को इसको AutoDex एप्लीकेशन के अंदर ओपन करके दिखा देता हूँ। AutoDex एप्लीकेशन के अंदर मैंने अपनी फोटो को शेयर कर लिया है, तो सिंपली आप लोगों ने ऊपर इस ब्रश वाले टूल पर जाना है। अगर आप AutoDex से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, AutoDex को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पर हर किस्म के AutoDex से रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगे। तो सिंपल हमने ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, इसकी सेटिंग हमने ये रख लेनी है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमने सिंपली अपनी फोटो को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद हम यहाँ डॉट पर क्लिक करके ब्रश के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं और उसके बाद इसको ऐसे रफ ऊपर करना है, तो हमारा स्किन फेस जहाँ से भी आपको स्मूथ करना हो आप कर सकते हैं। आप लोगों को मैं बारीकी से करके दिखा देता हूँ। इस तरह देखें, ये देखें हमारे स्किन पर कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, ये स्मूथ हो रहा है। देखिए आप लोग इसी तरह कर सकते हैं। अगर आप लोग इससे अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। आप लोगों को मज़ीद और कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा AutoDex का ट्यूटोरियल, Lightroom, PicsArt, ये सब मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग जाकर आराम से सीख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इतनी अच्छी तरह से हमारी स्किन स्मूथ हो गई है। आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल में जाकर और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।